बहुत खूबसूरत कमरों ने पहला मनासलु समिटर मुबारक मुबारक बहुत खुशी हो गई। बहुत बर्फ थी क्या टूरिज़म के हवाले से मैं पहले बताता हूँ। टूरिज़म में मैंने जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था 2004 की बात है, तब से मैं इस फील्ड में आया और मैंने साथ पढ़ाई भी की और जाके 2016 के बाद मैंने प्रॉपर क्लाइंबिंग में कदम रखी और अब तक तकरीबन 5 पीक दुनिया के 8000 पीक्स में कर चुका हूँ, जिसमें K2, नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक और नेपाल में माउंट मनसलू और माउंट लोत्से है। K2 एक ऐसा माउंटेन है, इसलिए तो अभी 1954 से इसके ऊपर हर कोई अपना क्लाइंबिंग का वो जोर लगा रहा है। अभी तक सिर्फ 380 से 385 लोग ही उसके टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है। K2 पे बहुत ऐसी जगह हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली और फिज़िकली और आपको मेंटली तौर पर तैयार होकर जाना होता है, जिसमें हाउस चिमनी, ब्लैक पैरामिड और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक पॉइंट का जो माना जाता है अल्पाइनिस्ट, उसमें बहुत लगी है K2 पे। और अभी भी जो हादसा जो हमारे सामने है, मोहम्मद अली भाई और जो इस तरह वहाँ पर फंस गए या क्या उनके साथ क्या हादसा हुआ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंबर्स की डेथ होती है और ज़्यादा जो मसाइल ज़्यादा पेश आती है वो बोतलने की डेथ जोन डिक्लेयर करते हैं, वो 7500 से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होती है। और बोतल नेक जो कि 8200 से स्टार्ट होकर तकरीबन 8325-330 तक इसका हाइट है। वहाँ पे आपको असल में ये है कि वहाँ पे सिराग गिरते ऊपर से और ब्लू आई से और ज़्यादा स्टीप है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रस्सी फिक्सिंग में भी आता है और आपको क्लाइंबिंग में भी आता है। हमारी पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा अपना पूरा एफर्ट लगाया हुआ है कि हम किस तरह से इसको देखें। लाजमी बात है विंटर्स में काफ़ी उनको हवा का और मौसम ख़राबी का उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा मौजज़ा हो, मौजज़ा ही कह सकते हैं, उस हम सब पाकिस्तानी पूरे दुनिया के कौम क्लाइंबिंग कमेटी हो या दूसरे सिविल सोसाइटी हो, सब दुआ गो है कि सब खैरती से हो, लेकिन लेट भी ज़्यादा हुआ है। मोहम्मद अली भाई के साथ मैंने पहला 8000 मेरा ज़िंदगी का यानी पहला 8000 था नंगा पर्वत में, और अली भाई ने साथ की हुई है, वो मेरा उस्ताद थे और आप ये समझ सकते हैं कि मेरा यानी माउंटेनियरिंग की दुनिया में वो मेरा वालिद की जगह पे था। वो हर वक्त मुझे गाइड करता था कि किस तरह किस हालात में किस तरफ वो करना है। मोहम्मद अली भाई का कोई पता नहीं है और अल्लाह करे कि वो ऊपर सलीम सलामत हो और कोई ऐसा मुआवजा हो कि वो वापस आ जाए और उसका रेस्क्यू हो। शुरू में ही कोई 6-7000 का पीक में गया और डायरेक्टली मैंने 8000 नंगा पर्वत किया, जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं उसमें 7000 से पहले 7000 से ऊपर नहीं गया था, तो वो मेरे लिए टफ़ था और मैं विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सख्त लगा। और दुनिया के क्लाइंबर्स भी कहते हैं कि नंगा पर्वत किलर माउंटेन इसका नाम दिया गया और बहुत टफ है। अभी तक हमारे पास कोई इंटरनेशनल माउंटेन गाइड सर्टिफाइड गाइड नहीं है, कोई सर्च एंड रेस्क्यू टीम नहीं है, सिर्फ हमारा आर्मी जितना एफर्ट कर रही है उसी हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि हमें आर्मी के साथ मिलके ऐसे टीम बनाना चाहिए कि कैंप 2, कैंप 3 या डेथ जोन से आप उसको हैंग करके या जिस तरह के बाहर नेपाल में होते हैं दूसरे मुल्कों में सर्चिंग टीम है, अगर आज हमारे पास वो अवेलेबल होती तो हम अली भाई और इस तरह से पहले भी कई वाक़ात हुई है, तो उसको हम वक्त पर सही कर सकते हैं। आपको स्कूल्स जो क्लाइंबिंग के स्कूल्स होने चाहिए और 2 चीज़ें सबसे अहम है, आप क्लाइंबिंग स्कूल्स और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, ये हो तो कोई अपना आपको आजकल आपको पता है कि सब पढ़े लिखे और कोई इस चीज़ के लिए आपको पढ़ा लिखा होना लाजमी है। आपको ऐसे आलात इस्तेमाल करने होते हैं, इसमें GPS होता है और दूसरे थ्राई फोन्स होते हैं, इस तरह के आलात है, तो उसके इस्तेमाल करने पढ़े लिखे बंदे अभी वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन वही देखते हैं उनको मुस्तकबिल नज़र नहीं आती इस चीज़ का। मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से है जहाँ से माउंटेनियर्स ने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है है, जिस तरह अशरफ मान हो गया, नज़ीर साबिर हो गया, इस तरह के हमारे हसन जान है, हसन सातपारा है, और हमारे अली भाई है, मेरा उस्ताद ही रहा है। 2005 से हम एक दूसरे को जानते थे और उसको वो मेरा उस्ताद भी रह चुका है। तो लाजमी बात इनको देख के भी हमें इस फील्ड में आने का हमारा इंटरेस्ट पैदा हो गया और इस फील्ड में आए, और इस वक्त हम अभी 7 और भी जूनियर्स को लेके हम इस फील्ड में आगे जाएंगे। लेकिन यही यही है कि इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। टूरिज़म डिपार्टमेंट जितने भी है, जिस तरह अल्पाइन क्लब है, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, जो पहले की हुकूमतों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया। इंशाल्लाह जिस तरह मोहम्मद अली भाई ने अपने जूनियर्स का ख्याल रखा है, और हम साजिद से इस लिहाज से साजिद हमसे जूनियर है, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह अली भाई ने हमें जिस प्लेटफॉर्म पे भी, वो क्लाइंबिंग के लिहाज से हो या दूसरी उन चीज़ों में, जिस तरह हमने गाइडेंस दिया है, तो हम भी भरपूर कोशिश करेंगे और साजिद को इस तरह हम गाइडलाइंस देंगे और हम अपने साथ इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत खूबसूरत उस दिया कामरों ने